एक कुम्हार बनाता है मट्टी का पात्र और एक वंशकार बनाता है वंश बांस का सामग्री। ये दोनों वंश को बढ़ाने का काम करते हैं। पहले सुहागन जो स्त्री सौभाग्यवती जो नारी कोई भी उद्यापन करती थी ना, तो आप पोथी पढ़ेंगे तो उस पोथी में आप निकालना तो उसमें लिखा रहता है कि सुहाग पिटारी। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो, उसमें लिखा है सुहाग पिटारी, उसमें यह नहीं लिखा कि डलिया में सुहाग की सामग्री देना प्लास्टिक की, उसमें ये नहीं लिखा कि प्लास्टिक के बॉक्स में सामान देना, उसमें लिखा है सुहाग पिटारी। सुहाग पिटारी देने का मतलब क्या होता है कि बांस की कोई डलिया हो, बांस की कोई पिटारी हो, बांस की कोई टोकनी हो, बांस की कोई सामग्री हो, उसमें सुहाग की वस्तु रखकर जब दी जाती है तो नारी कभी विधवा होकर नहीं जाती, पति के कंधे पर अंतिम समय में जाती। अखंड सौभाग्य को वंश बांस बढ़ाता है। इसलिए लड़का और लड़की की शादी मंडप में होती है और वो मंडप के अंदर बांस रखना, भले ऐसे वो लोहे के डब्बे में तुम बांस फंसाओगे पर बांस लगाना पड़ेगा, बांबू लगाना पड़ेगा। वो बांबू जो लगाया जाता है, जो बांस लगाया जाता है, जो वंश लगाया जाता है, यही हमारे वंश को और यही हमारे सौभाग्य को अमर करता है। इसलिए उसका बांस का होना विवाह में भी जरूरी है। बांस का दान, वंश का दान, अर्थात जैसे ही हम डलिया के अंदर वस्तु सामग्री रखकर दान देते हैं उसका फल अधिक अधिक गुना होता है।